खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मौत की नहर में फिर गिरी कार, चार लोगों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक शूटआउट, विदेशी महिलाओं से यौन शोषण पर अदालत ने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम यूपी के मेरठ में एक नहर बन चुकी है। इस नहर में पिछले 15 दिनों में कई हादसे हो चुके, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मंगलवार सुबह भी एक कार नहर में जा गिरी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जाम लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बवाना में हुए गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश फिल्मी अंदाज में गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वाजिदपुर में मोनू नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई। घटना में मोनू को दो गोलियां लग गई। घायल मोनू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक मोनू बवाना थाने का घोषित बदमाश है। साकेत कोर्ट स्थित यौन अपराधों की विशेष अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इला रावत ने एक आदेश दिया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा जिसमें बलात्कार की पीड़ित विदेशी महिलाओं को दिल्ली की अदालत में जल्द से जल्द पेश किया जा सके और उनके बयान दर्ज किए जा सके। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।